हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। इस वक्त मैं पुणे में हूँ। पुणे महाराष्ट्र का दूसरा सबसे बड़ा शहर है और भारत के 10 सबसे बड़े शहरों की लिस्ट में शामिल है। और पुणे में ये जगह है जेएम रोड। जेएम रोड का फुल फॉर्म है जंगली महाराज रोड। तो कल रात करीब 10 बजे मैं यहाँ पर पहुँचा था और जो पहला होटल मिला वो मैंने यहाँ पर बुक कर लिया। मैंने 2500 रुपये में यहाँ पर डबल ऑक्यूपेंसी का रूम बुक किया है जिसमें ब्रेकफास्ट शामिल है। तो ब्रेकफास्ट करते हैं, आपको मैं रूम एक बार दिखा देता हूँ और उसके बाद में आगे बढ़ते हैं यहाँ से पुणे को एक्सप्लोर करने के लिए। तो ये अपना होटल है और पार्किंग वगैरह भी अवेलेबल है यहाँ पर। तो ब्रेकफास्ट ले लिया है और काफ़ी बढ़िया हेल्दी ब्रेकफास्ट है। उत्तपा है और ये इडली है, 2 केले लिए मैंने, पोहा है, बाकी ये सांभर चटनी है। तो काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था, ब्रेकफास्ट कर लिया है मैंने और अच्छे से पेट पूजा हो गई है। अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बार रूम दिखा देता हूँ। तो मैंने इस होटल में ये रूम बुक किया था, कुछ इस तरह का रूम है और इसका चार्ज 2500 रुपये मैंने पे किया है 1 नाइट का। तो रूम मैंने आपको बता दिया और सुबह के इस वक्त 10 बज रहे हैं। मैंने चेकआउट कर लिया है और ये है अपनी गाड़ी। तो सामान अंदर डालते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम आ गए हैं पुणे के प्रसिद्ध श्री दगड़ूसेठ हलवाई गणपति मंदिर पर। यह पुणे का प्रमुख गणपति मंदिर है और महाराष्ट्र के प्रमुख मंदिरों में शामिल है। तो मंदिर की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर काउंटर लगा हुआ है मंदिर के गेट के बाहर। तो यहाँ से आपको स्पेशल दर्शन का पास मिलता है। अगर आपको जल्दी है तो आप 100 रुपये का पास ले सकते हो और दर्शन कर सकते हो। तो ये मेन रोड है और यहाँ से भी हमें गणपति भगवान के दर्शन होते हैं। यहाँ पर एक ब्लैक शीशा लगा हुआ है और यहाँ से हम दर्शन कर सकते हैं बाहर से भी। उस तरफ में आगे गेट नंबर 1 था जो मैंने आपको बताया, जहाँ से दर्शन का पास मिलता है। और यहाँ पर ये गेट नंबर 2 है और यहाँ से जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं करीब 50 मीटर तो गेट नंबर 3 है। तो यहाँ पर एक मंदिर बना हुआ है, स्वामी समर्थ मंदिर है ये। तो मुझे परमिशन मिल गया है यहाँ पर मंदिर में शूट करने के लिए। तो अभी यहाँ से अंदर चलते हैं और मैं आपको मंदिर के अंदर से दर्शन करवाता हूँ। तो ये है श्री दगड़ूसेठ मंदिर, हम अंदर आ गए हैं और सामने गणपति जी की मूर्ति है, देखो आप। और ये मूर्ति करीब 6 फीट की है। तो हमने दर्शन किए मंदिर में और अभी हम थोड़े मंदिर के इतिहास के बारे में जानते हैं। हमारे साथ में यहाँ पे पंडित जी है, इनका नाम है श्रीकांत जी। ये हमें इस मंदिर की कहानी बताएंगे। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। तो श्रीकांत जी, ये मंदिर कब बना? ये मंदिर 1893 में बना है ये मंदिर। तो इस मंदिर का नाम श्री दगड़ूसेठ गणपति मंदिर है, ऐसा क्यों? दगड़ूसेठ हलवाई जो हमारे थे, उन्होंने एक मंदिर का स्थापना किया, इसलिए उनका नाम गणेश जी को मिल गया, उनके नाम से गणेश जी जाना जाता है। तो ये मंदिर बनाने की प्रेरणा उनको कैसे मिली? 1893 में बीच में प्लेग के साथ वहाँ हुई थी पूना पुण्य नगरी में। तो उनके जो बच्चे थे, लड़का उनका मर गया, तो बहुत दुखी हुए थे। तो उनको सांत्वना करने के लिए माधवनाथ स्वामी उनके गुरु आए थे और गुरु ने बोला कि अभी जन्म मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं रहता, आप दुखी मत हो, आप गणेश जी की सेवा बढ़ाइए, गणेश जी की सेवा आप करो, दत्त भगवान की आप सेवा करो। तो उन्होंने गणेश जी का ध्यान करते हुए उनको प्रेरणा मिली और उसी समय में लोकमान्य तिलक जी ने सार्वजनिक गणेशोत्सव की स्थापना का घोषणा किया था। तो उसी समय में उन्होंने गणेश जी की स्थापना की, तो उनका गणेश जी उनके नाम से आज जाना जाता है। धन्यवाद। जय गणेश। जय गणेश। जय गणेश। तो काफ़ी अच्छे दर्शन हुए हमें और आपको भी हमने दर्शन करवाए और बाकी मंदिर का इतिहास और कहानी हमें पंडित जी ने काफ़ी अच्छे से बताई। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये था पुणे का प्रसिद्ध दगड़ूसेठ मंदिर। तो दगड़ूसेठ मंदिर से अभी हम आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से अभी हम जाएंगे शनिवार वाड़ा के लिए। दोनों पास पास में है, 500 मीटर का डिस्टेंस है दोनों के बीच में।
और मैंने गाड़ी शनिवार वाड़ा के वहीं पर पार्क की है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी पार्क करने की जगह बहुत कम है, बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड जगह है ये। तो अगर आप फोर व्हीलर लेके आते हो तो थोड़ा देख लेना, यहाँ पर पार्किंग काफ़ी मुश्किल से मिलती है। वैसे आगे पार्किंग बना हुआ है लेकिन कई बार वो भी फुल हो जाता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है श्रीमंत थोरले बाजीराव पेशवे पथ। छत्रपति शिवाजी महाराज के जो सेनापति थे बाजीराव पेशवा, वो यहाँ रहते थे। ये शनिवार वाड़ा की बाउंड्री है, आगे वहाँ पर गेट बना हुआ है। तो अभी हम शनिवार वाड़ा पर पहुँच गए हैं, ये यहाँ का गेट है शनिवार वाड़ा का, यहाँ से अभी हमें अंदर जाना है। तो गेट पर यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है लेकिन इसमें सब कुछ मराठी में लिखा हुआ है तो समझ में नहीं आएगा, अंदर चलते हैं। तो हम अंदर आ गए हैं और ये यहाँ का पार्किंग है। मैंने मेरी गाड़ी यहाँ पर लगाई है और मुझे जगह मिल गई, अच्छी बात है। बाकी यहाँ पर जगह मिलना काफ़ी मुश्किल है, छोटा सा पार्किंग है ये। तो ये मेन गेट है शनिवार वाड़ा में जाने के लिए, आप देखो लिखा हुआ ऊपर शनिवार वाड़ा। तो ये मुख्य गेट है और इसे दिल्ली दरवाज़ा कहते हैं। सामने टिकट विंडो है जहाँ से हमने टिकट लिया है। टिकट का प्राइस 25 रुपये पर पर्सन का, और उसके अलावा अगर फॉरेनर आते हैं तो 300 रुपये का चार्ज लगता है। बाकी यहाँ पर गाइड की सुविधा नहीं है, आपको खुद घूमना होता है। और सभी जगह पर बोर्ड लगे हुए हैं पढ़ने के लिए, आपको पूरा इतिहास बोर्ड के द्वारा बताया जाता है। यहाँ पर कुल 5 दरवाजे हैं जिसमें सबसे पहला दिल्ली दरवाज़ा मैंने आपको बताया, और ये दूसरा दरवाज़ा है और इसका नाम है मस्तानी दरवाज़ा। बाजीराव पेशवा की जो दूसरी पत्नी थी मस्तानी, उनके नाम पर इस दरवाजे का नाम था। और उसके बाद नाना फडणवीस ने मस्तानी का जो पोता था ग्रैंडसन, जिसका नाम अली बहादुर था, उसके नाम पर इस दरवाजे का नाम रखा था। और अली बहादुर ने बुंदेलखंड पे विजय प्राप्त की थी और बुंदेलखंड राज्य की स्थापना की थी। तो ये इसकी डिटेल थी मस्तानी दरवाजे की। यहाँ से हम ऊपर भी जा सकते हैं, ये जो रास्ता है वो हमें ऊपर लेके जाता है। तो मैं नीचे से ऊपर आ गया हूँ मस्तानी दरवाज़ा से होते हुए, और ऊपर से नीचे का नज़ारा कुछ इस तरह से दिखता है, बहुत ही अच्छा दिखता है यहाँ से। तो ये तीसरा दरवाज़ा है, हम नीचे चलते हैं वहाँ से, मैं आपको बताता हूँ। लेकिन फ़िलहाल एक बार यहाँ से हम व्यू देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन है, हम चाहे तो ऊपर भी घूम सकते हैं और हम चाहे तो नीचे भी घूम सकते हैं। और ऊपर से ये नज़ारा है देखो आप, काफ़ी सुंदर दिखता है। तो हम लोग ऊपर से नीचे आ गए हैं और ये है खिड़की दरवाज़ा, इसे खिड़की दरवाज़ा कहते हैं, और बाकी इसकी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये गणेश रंग महल है जो तीसरा दरवाज़ा मैंने आपको बताया, खिड़की दरवाज़ा उसके पास में। यहाँ पर पहले जो कार्यक्रम होते थे, सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह, और जो आर्ट का प्रोग्राम होता था वो यहाँ पर होता था, आर्ट से रिलेटेड। और इसके सामने यहाँ पर ये एक छोटा सा गार्डन बना हुआ है जो मैंने आपको ऊपर से बताया, और इसका नाम चिमन बाग है, जो पेशवा थे चिमन राव उनके नाम पर इसका नाम रखा गया है। यहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है गणपति रंगमालातीत श्रीमद पेशवा जी बैठक। तो इस जगह पर पहले पेशवा की बैठक हुआ करती थी और ऊंचे ऊंचे सिंहासन थे वगैरह इस बोर्ड पे लिखा हुआ था। अभी तो कुछ नहीं है, सब खंडर हो गया है। तो यहाँ से आगे बढ़ते हैं। ये चौथा दरवाज़ा है जिसका नाम है गणेश दरवाज़ा। गणपति रंग महल के पास होने की वजह से इस दरवाजे का नाम गणेश दरवाज़ा पड़ा, और यहाँ पर 25 गार्ड तैनात रहते थे ऐसा लिखा हुआ है। तो ये रिजर्वर था उस समय में, यहाँ पर लिखा हुआ है पानी स्टोर करने के लिए। इस तरह के और भी बने हुए आगे देखो आप। तो ये नारायण दरवाज़ा है पांचवा दरवाज़ा। नारायण राव जो पेशवा थे उनके नाम पर इस दरवाजे का नाम पड़ा है, और नारायण राव पेशवा की यहाँ पर हत्या हो गई थी। नारायण राव पेशवाज हेल्पलेस क्राई काका माला वाचवा, मतलब काका मुझे बचाओ। कहते हैं कि नारायण राव की उनके चाचा ने हत्या कर दी थी, उनके सगे चाचा ने, और राजगद्दी का ही कुछ मैटर था तो इसलिए उनकी हत्या हो गई थी। और वो काफ़ी छोटे थे उस समय, करीब 17 साल या 18 साल की एज बताते हैं। तो जब नारायण राव के चाचा ने उनकी हत्या की तो नारायण राव ने उनसे कहा कि चाचा मुझे बचा लो, मुझे मत मारो। तो कहा जाता है आज भी वो आवाज़ यहाँ पर गूंजती है, और कुछ लोग इस जगह को भूतिया कहते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है ये नहीं पता, लेकिन ये सच है कि नारायण राव की हत्या हो गई थी।
सामने दिल्ली दरवाज़ा है जहाँ से हमने एंट्री करी थी, शनिवार वाड़ा का जो मेन गेट है वो, और उसके ऊपर भी काफ़ी सारे लोग खड़े हैं, तो हम भी वहाँ जाएंगे। फिलहाल हम अभी यहाँ बीच में हैं, बिल्कुल सेंटर में शनिवार वाड़ा में, और यहाँ पर पहले पेशवाओं के महल हुआ करते थे, और कहते हैं कि करीब 7 मंजिला की वो इमारत थी और काफ़ी बढ़िया और भव्य महल थे। हालांकि अभी सब कुछ खंडर हो चुका है, अभी कुछ नहीं बचा है, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर पेशवाओं के महल थे। तो ये दिल्ली दरवाज़ा के बाहर का भाग है, यहाँ से हमने एंट्री करी थी नीचे से, हम लोग ऊपर आ गए हैं और यहाँ से कुछ इस तरह का दिखता है, देखो आप। तो यहाँ से नीचे का नज़ारा बेहद सुंदर दिखता है, देखो आप। सामने ये जगह मैंने आपको बताई जहाँ पर पहले पैलेस हुआ करता था, 7 मंजिला पैलेस था यहाँ पर पहले, अभी लेकिन खंडर है, कुछ नहीं है, गार्डन बनाया हुआ है। तो शनिवार वाड़ा के मेन गेट दिल्ली गेट से मैं बाहर आ गया हूँ और यहाँ पर अभी 15 अगस्त की तैयारी चल रही है। तो अभी मैं शनिवार वाड़ा से बाहर आ गया हूँ, शनिवार वाड़ा के पीछे का भाग है ये, और इसे राजमाता जीजा माता चौक कहते हैं। काफ़ी पुरानी जगह है ये और काफ़ी पुराना चौक है पुणे का। शनिवार वाड़ा के ठीक सामने यहाँ पर लाल महल है, देखो आप, लिखा हुआ है बोर्ड पर, तो पीछे की तरफ में है, पास में ही है। मैंने गाड़ी पीछे रोड पर ही खड़ी कर दी है, मैंने आपको बताया ये काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, पुराना एरिया है सिटी का, तो यहाँ पर पार्किंग मिलता नहीं है। तो मैं जल्दी से लाल महल के लिए आया हूँ गाड़ी खड़ी करके, क्योंकि छोटा है, ज़्यादा बड़ा नहीं है तो देर नहीं लगेगी। तो मैं आपको लाल महल दिखाता हूँ जो कि शनिवार वाड़ा के बिल्कुल पास में है। तो ये लाल महल है, इसकी स्थापना 1630 में छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी भोसले ने की थी। उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज और उनकी माता जीजाबाई के लिए यह महल बनाया था, और छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपना बचपन यहाँ गुजारा था। हालांकि जो मेन लाल महल था वो खंडर हो चुका था, तो इसको फिर से बनाया गया है, इसका पुनर्निर्माण किया गया है, ये ओरिजिनल बिल्डिंग नहीं है। यहाँ पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की उंगलियाँ काट दी थी जब वो लाल महल की खिड़की से भागने की कोशिश कर रहा था। तो अभी मैं आ गया हूँ आगा खां पैलेस पर। आगा खां पैलेस जो हम शनिवार वाड़ा थे वहाँ से 10 किलोमीटर है और आधा घंटा लगता है हमें यहाँ पहुँचने में, क्योंकि पुणे सिटी का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मेट्रो सिटी है तो ट्रैफिक तो होना ही है। तो ये आगा खां पैलेस का पार्किंग है, गाड़ी मैंने यहाँ पर लगा दी है। तो सामने यहाँ पर टिकट खिड़की है, टिकट का चार्ज 25 रुपये है पर पर्सन का, और फॉरेनर के लिए 300 रुपये है, 15 साल से कम के लिए निःशुल्क है। तो ये टिकट विंडो है लेकिन यहाँ पर कोई है नहीं, तो हमें ऑनलाइन टिकट लेना होगा, यहाँ पर स्कैन करने के लिए कोड दिया हुआ है, हमने ऑनलाइन टिकट ले लिया है। और इसमें ऑनलाइन जब हम टिकट लेते हैं तो 25 रुपये की जगह 20 रुपये का चार्ज लगता है। तो काफ़ी बड़ा एरिया है यहाँ का, सामने गार्डन वगैरह बने हुए हैं और इस तरफ में ये पैलेस है। तो मैं आगा खान पैलेस में आ गया हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इस पैलेस के बारे में बता देता हूँ। आगा खान पैलेस वो जगह है जहाँ पर गांधी जी को 21 महीने के लिए कैद कर रखा गया था अंग्रेज़ों द्वारा। उस समय स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा था, आज़ादी की मुहिम चल रही थी, तो गांधी जी को अंग्रेज़ों ने कैद कर लिया था यहाँ पर, ताकि उस आंदोलन को कुचला जा सके। तो गांधी जी यहाँ पर करीब 21 महीने रहे थे। तो यहाँ पर आगे गैलरी बनी हुई है जहाँ पर गांधी जी ने जो 21 महीने बिताए थे उस दरमियान जो जो उन्होंने किया उसकी सारी जानकारी दी हुई है। तो ये फर्स्ट गैलरी है। डिटेल में लिखा हुआ है, सब कुछ बताया गया है कि क्या क्या था, क्या क्या हुआ था उस समय में।
हमने सारी गैलरी देखी जहाँ पर गांधी जी के बारे में बताया हुआ है, और ये सामने गार्डन है, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा गार्डन है। ये रास्ता समाधि के लिए जाता है, पास में ही है, करीब 200 मीटर। यहाँ पर आगे कस्तूरबा गांधी और महादेव देसाई की समाधि है। कस्तूरबा गांधी गांधी जी की पत्नी थी और महादेव देसाई उनके सेक्रेटरी थे, सचिव थे। तो चलते हैं समाधि के लिए। यहाँ पर लिखा हुआ है गांधी जी इसी पथ से समाधि की ओर जाते थे। यहाँ पर डिटेल लिखा हुआ है, कस्तूरबा गांधी स्मारक, भारत के स्वतंत्रता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी, उनकी पत्नी कस्तूरबा और सचिव महादेव देसाई और अन्य को आगा खान महल में 2 साल की अवधि के लिए यहीं पर नज़रबंद किया गया था। नज़रबंदी के दौरान 15 अगस्त 1942 को महादेव देसाई की दिल के दौरे से मृत्यु हो गई और बाद में 22 फरवरी 1944 को कस्तूरबा का निधन हो गया, जिनकी समाधि यहाँ पर स्थित है। तो ये समाधि स्थल है, ये कस्तूरबा गांधी की समाधि है और ये महादेव हरिभाई देसाई की समाधि है। तो ये समाधि मैंने आपको बताई, कस्तूरबा गांधी और महादेव हरिभाई देसाई की। और इस तरफ में यहाँ पर महात्मा गांधी की अस्थियाँ हैं, देखो आप लिखा हुआ है एसेज ऑफ महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी की अस्थियाँ यहाँ पर रखी हुई है। बाकी ये जगह बहुत शांत है, देखो आप, बिल्कुल शांत जगह है और काफ़ी नेचुरल प्लेस है। तो अभी हम आ गए हैं राजा दिनकर केलकर म्यूजियम पर। ये जगह सिटी में है, जो हमने सुबह जगह देखी थी सारी, दगड़ूशेठ मंदिर और उसके पास में शनिवार वाड़ा, उसी जगह पर ये है। करीब 1 किलोमीटर दूर पड़ता है शनिवार वाड़ा से, 1 से 1.5 किलोमीटर। तो ये राजा दिनकर केलकर म्यूजियम है, अंदर चलते हैं। यहाँ पर चार्ज लिखा हुआ है, मोबाइल कैमरा अगर हम अंदर लेके जाते तो 100 रुपये का चार्ज है, अगर आपको कैमरे से वीडियोग्राफी करनी तो 200 रुपया है, और वीडियो शूटिंग प्रॉपर अगर आप बड़ा कैमरा लाते तो 500 रुपया चार्ज है। पर पर्सन का जो एंट्री फी है वो 100 रुपये है यहाँ पर। मोबाइल का टिकट है। ओके, तो मोबाइल का जो टिकट लिया उसके लिए इन्होंने ये मुझे बैंड लगाया है, पास है ये, और ये एंट्री टिकट है 100 रुपये का। तो संग्रहालय के नाम से थोड़ा कन्फ्यूजन होता है, राजा दिनकर केलकर, तो मुझे लगा कोई राजा होंगे, तो ऐसा नहीं है। राजा जो दिनकर जी थे उनके लड़के का नाम था, जो 11 साल की उम्र में गुजर गए थे, और उनकी याद में उन्होंने फिर ये संग्रहालय चालू किया था। तो ये सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है पुरानी पुरानी, और उनकी सारी डिटेल भी दी हुई है। तो इसी तरह से सारी मूर्तियाँ यहाँ पर रखी हुई है, देखो आप। तो ये मूर्ति सेक्शन है, सबसे पहले मैंने आपको बताया, जहाँ पर काफ़ी पुराने पत्थर की मूर्तियाँ हैं, और यहाँ पर ये सारे लकड़ी की चीज़ें रखी हुई है। ये देखो आप, ये खिड़की है, उसके पास में फिर वो दरवाज़ा है, और बहुत पुराना है, ये लकड़े का बना हुआ है, देखो आप कितनी बढ़िया डिज़ाइन है। तो ये राजा दिनकर केलकर म्यूजियम है, मैं बाहर आ गया हूँ, यहाँ से एग्जिट किया मैंने, एंट्री हमने वहाँ से की थी। मैं 4:30 बजे अंदर गया था और अभी 5:30 बज रहे हैं, 1 घंटा लगा मुझे म्यूजियम देखने में, और शायद मैंने अच्छी तरह से पूरा म्यूजियम देखा भी नहीं है। अगर मैं अच्छे से देखता तो मुझे 1.5 से 2 घंटे का समय चाहिए होता था। तो म्यूजियम काफ़ी बड़ा है, ये 3 फ्लोर है इसमें टोटल, और अगर आप अच्छे से देखोगे तो कम से कम 1.5 घंटा लगेगा आपको, अगर आपको जानकारी चाहिए या डिटेल में जाना है तो। बाकी आप अगर ऊपर से देखोगे तो 1/2 घंटे में भी बाहर आ सकते हो। तो म्यूज़ियम काफ़ी अच्छा लगा मुझे, काफ़ी अच्छा संग्रह किया हुआ है यहाँ पर,
और अगर आप पुणे आते हो तो यहाँ पर विजिट जरूर करना, बहुत अच्छी जगह है ये। तो आज दूसरा दिन है, कल दिनकर केलकर म्यूजियम देखने के बाद हम आगे बढ़े थे, करीब 5:30 बज गए थे और हम वहाँ से गए थे मिसल ट्राई करने, जो पुणे का फेमस मिसल है, वहाँ पर कुछ काटीकर मिसल ऐसा नाम है। लेकिन वहाँ पहुँचते करीब 6:30 बज गए और मिसल की शॉप 5 बजे क्लोज हो जाती है, वो वहाँ पर जाके मुझे पता चला। तो वहाँ पर हम मिसल ट्राई नहीं कर पाए और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ गया और कुछ ट्राई करने के लिए। लेकिन ट्रैफिक इतना ज़्यादा होता है शाम के समय पुणे में कि हमारा 1-1.5 घंटा कहीं गुजर जाता है, तो लगभग अंधेरा हो गया था। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि हम पुणे से थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो फिलहाल इस वक्त मैं पुणे सिंहगढ़ रोड पर हूँ और पुणे से ये जगह करीब 10 किलोमीटर आगे की तरफ है। रात मैंने यहाँ पर बिताई थी, यहाँ पर काफ़ी सारी लॉजिंग है, होटल है, जहाँ पर आपको अच्छे से कमरा मिल जाता है। 300-400 से लगाकर 1000-1200 तक आपको रूम मिल जाता है यहाँ पर। और कल जब हमने मिसल ट्राई करना चाहा तो नहीं कर पाए, लेकिन आज हम एक जगह पर बैठे हैं मिसल की शॉप पर, यहाँ पर बताते हैं मिसल काफ़ी अच्छा होता है, तो यहाँ पर हम मिसल ट्राई करेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैंने मिसल मंगवा लिया है, ये मिसल है, साथ में दही है, ये अलग से उन्होंने कुछ स्प्राउट्स दिया है, प्याज है और 2 पाव है। इसके अलावा ये मिसल का रस्सा आता है जो हमें अलग से ऊपर से डालना होता है स्पाइसी बनाने के लिए। तो सबसे पहले हम मिसल का रस्सा डालेंगे ताकि थोड़ा स्पाइसी हो जाए और उसके बाद में चटाकेदार मिसल ट्राई करेंगे। मिसल मुझे बहुत पसंद है, जब भी मैं महाराष्ट्र आता हूँ मिसल ज़रूर खाता हूँ। मज़ेदार, कल की इच्छा अधूरी रह जाती अगर आज मिसल नहीं मिलता तो, मेरी बहुत इच्छा थी कल मिसल खाने की। तो मसालेदार मिसल हमने खा लिया, काफ़ी मज़ा आया, कल की अधूरी इच्छा पूरी हो गई और अभी वक्त हो गया यहाँ से आगे बढ़ने का। बाकी अगर आप पुणे घूमने आते हो तो आपको कम से कम 2 दिन का समय चाहिए पुणे देखने के लिए अच्छे से, 1 दिन में पुणे अच्छे से देख नहीं पाओगे। और पुणे घूमने के लिए सबसे सही है 2-व्हीलर और उसके अलावा आप ऑटो से घूम सकते हो। अपना पर्सनल 4-व्हीलर लेके घूमना थोड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि पार्किंग की फैसिलिटी सब जगह नहीं है और काफ़ी ट्रैफिक भी होता है। वैसे पुणे में 2-व्हीलर रेंट पर मिलता है, आप जाओ तो 2-व्हीलर रेंट पर लेकर भी घूम सकते हो, करीब 400-500 रुपये लेते हैं स्कूटी और एक्टिवा का ये लोग रेंट का। तो अभी यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे का जो सफ़र है वो आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। हालांकि मुझे कल रात को ये वीडियो को ख़त्म कर देना था लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी कि मुझे आज सुबह ये वीडियो ख़त्म करना पड़ रहा है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना और वीडियो पसंद हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, अपना और अपनों का खास ध्यान रखना। वीडियो पूरा देखने के लिए आपका शुक्रिया, तुम्हारा खूब खूब आभार, आप जो